हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर हैप्पी एंड सेफ। आज हम बनाएंगे पॉपुलर वेज स्टार्टर रेसिपी, रेस्टोरेंट स्टाइल हरा भरा कबाब। वेज कबाब को बनाना बहुत ही सिंपल है और ये कबाब बहुत ही डिलीशियस बनते हैं, अंदर से मॉइस्ट और बाहर से क्रिस्पी, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे सारे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पालक और मटर को ब्लांच कर लेंगे। कढ़ाई लेंगे, उसमें लेंगे 1 लीटर जितना पानी। पानी गर्म हो जाए फिर कढ़ाई में डालेंगे वॉश की हुई पालक। मैंने यहाँ पे पालक के 2 छोटे बंच यूज़ किए हैं। 2/3 कप ऑफ हरे मटर। पालक को ज़्यादा बॉईल नहीं करना है। आफ्टर 2 मिनट्स हम पालक को निकाल लेंगे और ठंडे पानी में डाल देंगे ताकि पालक पकना स्टॉप हो जाए और पालक का ग्रीन कलर मेंटेन रहे। पालक को ठंडे पानी में डिप करने के बाद तुरंत ही स्ट्रेन करके अलग बाउल में निकाल लेंगे। हरे मटर को और 2-3 मिनट तक बॉईल करेंगे, फिर मटर को भी स्ट्रेन करके निकाल लेंगे। अब फिर से एक कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑफ घी। आप चाहो तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। ऑयल गर्म हो जाए फिर उसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा। जीरा हल्का सा रोस्ट हो जाए फिर उसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून हरी मिर्च और अदरक की पेस्ट। अदरक की कच्ची स्मेल चली जाए फिर इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप ग्रीन बीन्स, 1/2 कप कैप्सिकम, बॉईल किए हुए हरे मटर एंड बॉईल की हुई पालक, सॉल्ट टू टेस्ट, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे जब तक सब्जियों का मॉइस्चर चला जाए। सब्जियां पक रही है तब तक हम कबाब की स्पेशल ग्रीन मिंट चटनी बना लेते हैं। उसके लिए मिक्सर जार में लेंगे 1/2 कप पुदीना, 1/2 कप हरा धनिया, 1 टेबलस्पून रोस्टेड पीनट्स, 1 इंच अदरक, 3 लहसुन की कलियाँ, 1 टेबलस्पून लेमन जूस, सॉल्ट टू टेस्ट, 2 to 3 ग्रीन चिलीज। मैंने यहाँ पे स्पाइसी वाली यूज़ नहीं की है, आप चाहो तो स्पाइसी वाली यूज़ कर सकते हो। 2 टेबलस्पून दही, इसमें बिना पानी डाले ही इसे पीस लेंगे। ये बन गई हमारी कबाब स्पेशल ग्रीन मिंट चटनी। सब्जियाँ भी पक गई है, अब इसे भी ठंडा होने के लिए रख देंगे। सब्जी ठंडी हो रही है तब तक हम 3 से 4 टेबलस्पून बेसन को रोस्ट कर लेते हैं। बेसन की खुशबू आने लगे तब तक इसे रोस्ट करेंगे। बेसन रोस्ट हो गया है और सब्जी भी ठंडी हो गई है। अब इस सब्जी की पेस्ट बना लेते हैं। इसमें पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। इस सब्जी में ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून पुदीना लीव्स, 2 टेबलस्पून हरा धनिया। अब इसकी पेस्ट बना लेंगे। फिर एक बाउल में लेंगे 4 से 5 मीडियम साइज बॉइल्ड आलू। मैंने इसे 3 विसल दे के पका लिया है। इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट, 4 टेबलस्पून भुना हुआ बेसन, 1 टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर। फिर इसमें ऐड करेंगे हमारी बनाई हुई हरी सब्जी की पेस्ट। इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कबाब के मसाले में इसके मॉइस्चर के अकॉर्डिंग इसमें ब्रेड क्रम्स डालेंगे। मैंने यहाँ पे 4 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स डाले हैं। आप अपने मसाले के अकॉर्डिंग ब्रेड क्रम्स को कम और ज़्यादा कर सकते हो। ब्रेड क्रम्स मसाले का एक्स्ट्रा मॉइस्चर सोक कर लेगा और कबाब को परफेक्ट बनाएगा। अब हाथों पर हल्का सा ऑयल लगा लेंगे, इससे मसाला हाथों पर चिपकेगा नहीं। 2 टेबलस्पून जितना मसाला लेंगे और इसे इस तरह से हाथों से गोल टिक्की का शेप दे देंगे। इस तरह से हम बाकी के कबाब भी बना लेंगे। सारे कबाब पे 1/2 किए हुए काजू को इस तरह से प्रेस करके लगा देंगे। ये वाले कबाब को हम तवे पे रोस्ट करेंगे और बाकी के कबाब को ब्रेड क्रम्स में कोट करने के बाद डीप फ्राई करेंगे ताकि हमारे कबाब अंदर से मॉइस्ट और बाहर से क्रिस्पी बने।
ऑयल गरम हो गया है, फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे। एक एक करके हम सारे कबाब ऑयल में डाल देंगे। हम कबाब को बीच बीच में घुमाते रहेंगे ताकि कबाब दोनों तरफ से अच्छे से पक जाए। हमें इसे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। इस तरह से हम बाकी के कबाब को भी फ्राई कर लेंगे। ये बन गई हमारी रेस्टोरेंट जैसे हरे भरे कबाब, मॉइस्ट एंड क्रिस्पी। और इसे हम सर्व करेंगे कबाब स्पेशल ग्रीन मिंट चटनी के साथ। अगर आप कबाब को डीप फ्राई नहीं करना चाहते हो तो इस तरह से तवे पे थोड़ा सा ऑयल डाल के भी कबाब को सेक सकते हो। ऑयल गर्म हो जाए फिर कबाब को तवे पे अरेंज कर देंगे। एक दो मिनट बाद हम कबाब को पलट देंगे ताकि ये दोनों तरफ से पक जाए। हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। दोनों साइड से ये क्रिस्पी हो जाए तब तक हम इसे पकाएंगे। हमारे हेल्दी कबाब भी दोनों साइड से क्रिस्पी हो गए हैं। अब फ्लेम बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। ये बन गए हमारे हेल्दी हरे भरे कबाब। आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड ऑल्सो शेयर दिस रेसिपी विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।